हे स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूँ शिवानी शर्मा आज के इस वीडियो में हम एक नई एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप लोग मिल ही चुके हैं मैनेड्स की, की फैमिली से सो so, बहुत ही ज्यादा इजी वे में आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो को फिनिश कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईजिली आप अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हो ओके सो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज को दैट इज एक्सरसाइज नाइन इससे पहले इसी एक्सरसाइज का एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ आई होप आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया है और एक-एक की जो भी इस एक्सरसाइज में है वो समझ ली है ओके okay? सो so, ये एक बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज होने वाली है हम इसे बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओके वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस राइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बस इतना बताना है ये जो फंक्शन यहां गिवन है ना ये क्या है फंक्शंस ये जो फंक्शन गिवन है ओके okay? ये फंक्शन इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सल्यूशन है आपको ये चीज यहां पे शो करनी है राइट right? अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोई किसी का सल्यूशन कब होता है जब वो उसको सेटिस्फाई करता है और नाइन क्लास से आप ये चीजें तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आ भी फंक्शन okay? कोई भी नंबर किसी भी इक्वेशन का या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कब होता है वो तब होता है जब वो इसको सेटिस्फाई करे अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है फाई करने का मतलब यह होता है कि आप इसके एल एच एस को okay, आप एल एच एस को क्या शो कर दें एल एच एस को बराबर शो कर दे आरएचएस के जब आप ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं तब आप कह सकते हैं कि यस, द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ओके okay, इसी तरीके से आप अपने नाइन्थ एंड क्लास में सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बताते थे याद है चीजें बस वो ही काम है बस यहाँ पे क्या हो गया है यहां पे फंक्शन आ गया है और यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही लॉजिक है उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर तक पहुंचना है ठीक है तो बेसिकली हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से उस पर डिस्कशन ले लेते हैं हमें शो करना है कि ये फंक्शन कोई और नहीं इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है आप इस फंक्शन को लोगे ओके okay? जैसे टर्म्स यहां लिखे हैं उसे उस तरीके का बनाओगे फिर अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का एलएचएस उठाओगे एलएचएस में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे जो आप यहां से फाइंड करेंगे अगर आपका एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया ट्रू ओके okay, अगर वो दोनों equal हो गए तब आप कह देंगे कि ये जो कोई फंक्शन है ना ये इसका क्या है सोल्यूशन है एक तरीका तो ये है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और अब कुछ क्वेश्चंस में देखोगे कि जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा ना जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो अपने आप ही इसके जैसा बन जाएगा ओके okay, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे तो जिस भी तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाए आप उसे सॉल्व सॉल्व करना मैं आपको आपको पे करके दिखाती हूं, फिर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ये चीज क्लियर होगी जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रही हूं ओके okay? सो so, बिना टाइम वेस्ट करे पहले क्वेश्चन को देखो क्या ये इसका सोल्यूशन है तो हम बोलेंगे ठीक है हमें ये चेक करना है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं तो एक काम करो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे y डैश है और यहाँ पे y डबल डैश है पहले तो आप अपने इस फंक्शन में से ये दो वैल्यूज को फाइंड कर लो ठीक है आपके पास y है आप y डैश निकालिए आपके पास y है आप y डबल डैश निकालिए जब आपके पास ये दोनों आ जाएगा यहाँ पे उठा के रख देना ओके चलो तो y निकालते हैं पहले वी हैव हमारे पास क्या है हमारे पास ये फंक्शन है ठीक है कैसा y इज इक्वल टू ई टू दावर x प्लस वन ये फंक्शन हमारे पास है हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे जो जो चीजें डिमांड में है उन उन चीजों को फाइंड करेंगे सबसे पहले y डैश तो ये y डैश क्या होगा वाई डैश का मतलब क्या है वाई डैश का मतलब है डीवाई बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएट करना है सो ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ई टू पावर एक्स होता है का जीरो होता है अगेन याद रखना ये सारी बातें y डैश का मतलब क्या है y डैश का मतलब है dy वाई बाई डी एक्स वाई डबल डैश का मतलब क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स बातें ठीक है ओके, okay? so, हमने हमारे पास y था हमने y डैश निकाला अभी हमने अपने क्वेश्चन को देखा कि यहां पे तो जरूरत y डबल डैश की भी है तो चलो फिर आ जाओ अब आप y डबल डैश निकालो y डबल डैश कैसे निकालोगे y डैश तो है अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x होता है तो हमने ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली है ये आपका गिवन फंक्शन था ओके okay? आपको ये चेक करना था कि ये इसका सोलूशन है या नहीं तो हमने क्या किया जो जो चीजें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए थी फाइंड उन किया अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है राइट कौन सी ये वाली y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो इसमें उठाएंगे एल वाला रीजन एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड सो लेफ्ट हैंड साइड को आपने उठाया क्या लिखा है यहां पे डबल डैश ओके लेफ्ट हैंड साइड को उठाया है ये वैल्यूज आप फाइंड कर चुके हो इस फंक्शन के थ्रू इन वैल्यूज को यहां डालो तो वाई डबल डैश आपका क्या आया है वाई डबल डैश आपका आया है ई टू पावर एक्स ओके माइनस y डश क्या आया है e टू द पावर x जब भी दो सेम क्वांटिटी सबट्रैक्ट हो रही है तो रिजल्ट क्या मिलेगा जीरो तो आप क्या देख रहे हो कि आपने उठाया lhs आपने lhs की वैल्यूज डाली ओके okay? फिर ये बराबर किसके आ गया rhs के बराबर आ गया क्योंकि देखो rhs क्या था जीरो राइट हैंड साइड में क्या था जीरो आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया जो जो वैल्यूज चाहिए थी उन्हें फाइंड किया यहां रखा तो आपको क्या मिल गया जीरो मिल गया और जीरो ही आपको लेके आना था तो आपने यहां वेरीफाई कर दिया कि एल बराबर है आर के हैंस जब आपका एल एच के बराबर हो गया है तब आप क्या कह देंगे कि गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफ़रेंशियल इक्वेशन ये जो फंक्शन है ना ये इसका क्या है सोल्यूशन है ओके okay? इसी तरीके से आप अपने टेंथ क्लास में भी वेरीफाई करते थे याद आ रही है चीजें बस यहां पे क्या हो गया है वक्त बदल गया है क्लास बदल गई है ओके okay? और वहां इक्वेशंस थी तो यहां डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई है ठीक है जी तो ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म ओके okay? सो so हमें वेरीफाई करना था वेरीफाई मींस एलएचएस को बराबर ले आइए आरएचएस के तो ये सारी चीजों को फाइंड किया सब्स्टिट्यूट किया आंसर तक पहुंच गए पहला क्वेश्चन था इसलिए समय लगाया है अब आगे आने वाले क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलना ठीक है चले आगे ओके okay, जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू भी यही कह रहा है कि क्या ये फंक्शन क्या ये फंक्शन इसका क्या है सोल्यूशन है क्या आपको ये वेरीफाई करना है क्या ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है तो क्या करोगी यहां पे चीजों को सब्सिट्यूट करके चेक कर लेना अगर एल बराबर टू तो आर आ गया तो डेफिनेटली ये इसका क्या कहलाएगा फंक्शन कहलाएगा ओके okay? सोल्यूशन कहलाएगा राइट right? चलो अपने फंक्शन को उठाएं इसी को चेक करना है ये रहा आपका फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो क्या क्या चीजें हैं y डैश है मैम ठीक है तो एक काम करो आपके पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स प्लस सी ये c कॉन्स्टेंट ही है ओके okay? आपके पास ये जो फंक्शन है अब इसको आप कैसा बनाएंगे इस क्वेश्चन के जैसा बनाएंगे इस क्वेश्चन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है y डैश है तो आप यहां से क्या फाइंड करेंगे y डैश फाइंड करेंगे तो आ जाओ जरा y डैश निकालें So, y dash मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये y का तो y डैश डिफ्रेंसिएशन हो गया x स्क्का डिफ्रेंसिएशन टू 2x हो गया 2x का डिफ्रेंसियन 2 हो गया कांस्टेंट का डिफ्रेंसियन जीरो होता है ठीक है ये आपने फाइंड कर लिया अब आपके पास ना दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला रास्ता क्या है कि आपने ये जो डिफ्रेंशिएट किया आप इसको देखो और इसके जैसा बना लो देखो और बनाओ मतलब क्या जैसी ये इक्वेशन आपकी बन गई ना डिफरेंशियट करके राइट right? आप इसको एकदम इसकी जैसा बना सकते हो कैसे मैम चीजों को शिफ्ट करके मतलब ऐसे दिस इज वाई डैश माइनस टू एक्स माइनस टू ये यहां पर आए तो इज इक्वल टू क्या बना जीरो बन गया तो अगर आप डिफ्रेंशियट करके अपनी इक्वेशन को राइट right? सेम टू सेम जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके जैसा बना लेते हो तो भी क्या आप शो कर देते हो कि ये इसका क्या है ये इसका सल्यूशन है या फिर जो हम करते आ रहे हैं अभी तक एल एच एस बराबर टू आर एच एस आप वो काम भी कर सकते हैं फंक्शन में से वो सारे डेरिवेटिव्स फाइंड करके रख लो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज्ड है ओके okay? जैसे यहां पे y डैश का यूज था हमने y डैश निकाल लिया अब कुछ नहीं करना अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को देखो सो so, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका y डैश माइनस टू एक्स माइनस टू जो भी आपने वैल्यूज फाइंड की है डेरिवेटिव्स की उन्हें यहां सब्सिट्यूट कर दो अगर सब्सिट्यूट करने के बाद आप जीरो बना लेते हैं तो एल बराबर हो जाएगा आर के और जो गिवन फंक्शन है वो सोल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक है चलो y डैश की वैल्यू क्या है 2x एक्स प्लस टू राइट माइनस ये सिर्फ y डैश की वैल्यू रखिए बाकी सब तो एज इट इज लिखा रहेगा ओके okay? हमें सिर्फ y डैश की वैल्यू रखनी थी यहां पे बाकी सब तो एज इट इज है अब देखो आप ये क्या हो रहा है ये इससे गया ये इससे गया और ये क्या आ गया जीरो आ गया तो हमने एल को बराबर कर दिया है आरएचएस के क्योंकि एल उठाया था जीरो लेके आना था तो LHS किसके बराबर हो गया RHS के देयरफॉर ये गिवन फंक्शन क्या है ये गिवन फंक्शन सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इजी एक्सरसाइज है बस जैसा जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे कहती है ना वो वो चीजें निकालते जाओ यहाँ सब्स्टिट्यूट करो LHS को उठाओ LHS में वैल्यूज डालो अगर आप RHS बना लेते हो उसको मतलब जीरो बना लिया काम खत्म सॉल्यूशन है इसका ठीक है चलो आ जाओ और ये क्वेश्चन अगर आएंगे बिना पेपर में तो आपको बहुत छोटे छोटे मार्क्स में देखने के लिए मिलेंगे मैम ठीक है हम वो ही एल एच एस इज इक्वल टू आरएचएस कर लेते हैं फंक्शन हमारे पास वो रहा हम इस फंक्शन को लिखेंगे एक बार y इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस सी फिर हम अपने इस क्वेश्चन को देख लेंगे ठीक है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्योंकि हमें बताना है कि ये फंक्शन इसका सलूशन है तो एक काम करो यहाँ पे क्या है y' है ना तो आप भी जरा y' निकालो सो so, y' क्या आएगा cos x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या होता है Minus -sin x c का डेरिवेटिव 0 ठीक है ये आपने फाइंड कर लिया अब आप जाएंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के lhs पे डिफरेंशियल इक्वेशन का lhs उठाओ क्या है y' sin x वैल्यूज को सब्सिट्यूट करो वाई डैश कितना आया है आपका वाई डैश आया है आपका माइनस साइन एक्स वाई डैश की वैल्यू रखी फिर क्या है प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो रहा है जीरो हो रहा है और जीरो तो कुछ और नहीं आर एच एस था तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या करना है जैसा क्वेश्चन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो क्या था यहाँ जीरो अगर आप इस एल एच एस को जीरो बना लेते हैं तो एल एच एस किसके बराबर हो जाएगा आर एच एस के और गिवन फंक्शन सोल्यूशन हो जाएगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अब कोई अगर यहीं पे फिर करना चाहता था तो डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है ये सब करने की जरूरत नहीं है ओके, आपने differentiate किया अगर आप इसको इसकी जैसा यही बना लेते हो तो भी आपका क्या हो जाएगा वो क्या है ना आप लिख पाओगे रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाओगे पेपर में ठीक है चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखो आप क्या ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है ये आपके दिमाग में सवाल है तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को देखा डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लिखा है वाई डैश लिखा है तो हम अपने इस फंक्शन को पहले वाई डैश बनाएंगे इस फंक्शन में से वाई डैश निकालेंगे फिर एल एच एस इज इक्वल टू करने की कोशिश करेंगे ठीक है चलो आ जाओ तो फंक्शन देखा हमने अपना फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्त वाई डैश तो y डैश मतलब एक बार करो इसका डिफरेंसिएशन याद करो जब मैंने डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया था तब आपको डायरेक्टली कहा था कि रूट एक्स का ना डेरिवेटिव याद कर लो ऐसा नहीं है कि आप फाइन नहीं कर सकते बिल्कुल फाइंड कर सकते हो लेकिन क्या है ना इतने फॉर्मुलेस याद किए तो इसको भी एक फॉर्मुला के याद कर लो तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक रूट एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट एक्स ठीक है तो यहां पे इसको हटाया जाए ठीक तो ये क्या है रूट एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा टू रूट एक्स लेकिन बोल x रहे हैं लिखा वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो लगेगा यहां पे चेन रूल और चेन रूल से यहां अंदर लिखे टर्म का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा ओके okay? सो so, कितना आएगा आपके पास y डैश आपके पास y डैश आएगा वन बाई टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्शन ऑफ वन जीरो टू से टू चला गया ठीक है टू से टू गया तो आपके पास बचा x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्तें क्लियर है वाई डैश निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है आप आसानी से रूट एक्स को डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं ठीक है मैं आपको सिखा देती हूं एक बार चलो देखो एक बार ना इसका डेरिवेटिव देख लो क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में ना इंटीग्रेशन का तो यूज़ ही नहीं है सिर्फ डिफरेंशिएशन का ही यूज़ आ रहा है तो अगर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है एक बार फिर से कहूंगी एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जब मैंने कंसेप्ट ओवरव्यू बनाया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का तो उसमें से आप सिर्फ डिफरेंशिएशन वाले हिस्से को देख लो क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन आपसे करवाया जाएगा जस्ट बहुत छोटा सा बेसिक सा डिफरेंशिएशन कराएंगे बस आपको चेन रूल और फॉर्मलेस की नॉलेज होनी चाहिए आप आसानी से अपने इंटीग्रल्स को अच्छा अच्छे से फिनिश कर लोगे ठीक है

हाफ वन प्लस एक्स स्क्वेर और इसे एक से करेंगे कम तो एक से कम किया तो ये माइनस हाफ हुआ ठीक फिर ये जो है जो आपने फॉर्मूला बताया था वो x की पावर n का था यहां पे आपका x क्या था वन प्लस मतलब ऐसा फॉर्मूला होता तो बस यहां रुक जाते लेकिन इसके अंदर तो बहुत बड़ा टर्म लिखा है तो उस बहुत बड़े टर्म का भी डेरिवेटिव किया जाता है यूजिंग चेन रूल तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर का इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया इस अंदर लिखे हुए टर्म का डेरिवेटिव वहां फाइंड किया हमेशा प्रोडक्ट में ही फाइंड करते हैं सो दिस विल बी हाफ वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स ठीक फिर आपका टू से टू गया था और लेकिन अगर स्टिल थोड़ी प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को आप जरूर देखना आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी और ये तीनों चैप्टर सेवन एट नाइन तीनों बहुत आसानी से आप कर लोगे, राइट सो so, हमने वाई डैश निकाल लिया है y डैश फाइंड कर लिया अब हम किसी और से बात नहीं करेंगे हम सिर्फ बात करेंगे अपने से. या नहीं तो हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा हमने यहां पे सबसे पहले ये पिक किया कि यहां पे कितने डेरिवेटिव्स हैं और कितने ऑर्डर के हैं तो एक डेरिवेटिव था बस तो हमने उसमें से वन डेरिवेटिव फाइंड किया अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पे अपने एल से बात करेंगे तो एल क्या है यहां पे देखो एल क्या है क्योंकि हमें एल को बराबर टू आर लाना होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो कोई और नहीं इसका सोल्यूशन है सो so एल हमारे पास है y डैश Y डैश की वैल्यू क्या है ये आपके पास रखो जरा x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेर लेकिन आपको इस एल को ये बनाना है तब भी आप LHS is equal to RHS कह सकते हो तो ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई अब एक काम करो एक काम करो आप इसके जैसा बनाना है ना है ना तो एक काम करो ऊपर नीचे क्या करो ऊपर नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दो बताओ ये कर सकते हैं क्या ये काम अपन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमें अपने इस LHS को इसके जैसा बनाना है हमारे पास एल मतलब y- डैश था y- डैश की सिर्फ इतनी सी वैल्यू थी और इस वैल्यू को इसके जैसा बनाना है तो अचानक से तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते कुछ एक्स्ट्रा काम आपको यहाँ करना पड़ेगा तो हमने जरा देखा अपने इस आर को कैसा है ये वन प्लस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट यहां पे हमारे पास क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर विद रूट अब रूट कैसे हटाया जाएगा जब वैसे ही सेम टू सेम नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बस यही से हमने इसे पकड़ा और ऊपर नीचे क्या किया अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्का मल्टीप्लीकेशन कर दिया ठीक है तो क्या बना ये, ये बना वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट ए इंटू रूट ए दोनों सेम है ना तो रूट हट जाते हैं तो क्या बनेगा ये वन प्लस एक्स स्क्वायर देख लो जरा रूट ए इंटू रूट ए अगर कभी कोई करवाए तो सिर्फ ए आता है ये रूट हट जाता है दो सेम नंबर्स हैं रूट में है तो रूट हट जाएगा वो नंबर एक बार लिखा जाएगा लेकिन मैम अभी तो ये आर एच एस जैसा बना नहीं बिल्कुल बन गया है जरा चेक करो ये अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कौन था

नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं क्या अपन कैसे तरीके से शो करते जा रहे हैं अपन क्या करना है चीजें दिमाग में बैठती जा रही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाओ वो ही सेम कहानी है आपको बताना है क्या ये इसका फंक्शन है क्या ये इसका सोल्यूशन है फंक्शन तो वो है मैम ठीक है जी तो क्या ये जो फंक्शन गिवन है कौन y इज इक्वल टू ए एक्स ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है क्या तो क्या करोगे आप मैम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है उसे देखेंगे क्या है y डैश तो हम अपने फंक्शन में से y डैश की वैल्यू निकालेंगे स्टेप नंबर वन ओके जी तो अपने फंक्शन में से फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू ए एक्स क्या निकालोगे y डैश तो y डैश निकालते हैं चलो y डैश इज इक्वल टू y डैश का मतलब क्या है इसे एक बार डिफरेंशियट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो y डैश आएगा आपका a है ना क्योंकि a constant है x का वन तो आपको y डैश क्या मिला a मिला ओके okay? अब क्या करें अब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई अब इसमें से आप बस एल को उठाओ एल एच अब क्या है यहां पे? अब अगर आपने LHS को उठाया यहां पे y की वैल्यू रखी और अगर आप उसे वाई बना पाए तो एल एच एस बराबर टू आर एच एस होगा तब आप कह देंगे कि वेरिफिकेशन हो गया सो so मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से एल को उठाया अब मैं वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर रही हूं एक्स तो एक्स ही रहेगा वाई डैश क्या है मेरा ए अच्छा एक्स ए बोलू या ए एक्स बोलू कोई दिक्कत है क्या नहीं मैम ए एक्स कौन है क्वेश्चन देखो ए एक्स तो आपका वाई है तो यहां पे क्या रख दिया वाई रख दिया LHS लेके चले थे LHS को किसके जैसा बना दिया RHS के जैसा बना दिया so LHS बराबर क्या हो गया? RHS के हो गया गया के इसका मतलब verification हो गया 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 वो given function क्या बन गया? उसका solution बन उसका अब आप इन questions को बहुत आसानी से finish कर सकते हो क्या करना है वो सारी बातें क्लियर हो गई फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर छह को भी देख लो आप लोग कितना भी बड़ा कैसा भी क्वेश्चन दे दे लॉजिक तो वही करते चलो सॉल्व आंसर तक पहुंच जाएंगे आप ठीक है राइट right. सो so, y is equal to x sin x ठीक है जी वो फंक्शन है ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है क्या ये फंक्शन इसका सलूशन है ये आपको बताना है ठीक है आप क्या सोच रहे हो क्या ये फंक्शन इसका सलूशन है तो ठीक है वो ही तरीका हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे उसमें जो भी डेरिवेटिव वाले टर्म है उतना डेरिवेटिव इसमें से फाइंड करेंगे एलएचएस को उठाएंगे वैल्यू को डालेंगे आरएचएस के बराबर आ गई तो वो उसका सोल्यूशन है ठीक है चलो सो so, मेरे पास क्या है मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को चुपके से देखो क्या क्या चाहिए y डैश चाहिए बस मैम ठीक है तो so, y डैश निकाल लेते हैं अपन सो so, y डैश इज इक्वल टू हाँ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पे क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है एक्स इंटू साइन एक्स ठीक है प्रोडक्ट में है अब जरा मुझे याद कराओ आप लोग डिफ्रेंसिएशन जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट में होता है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है बहुत ज्यादा इमोशंस में बह के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मला नहीं बताना मुझे डिफरेंशिएशन है दो फंक्शन प्रोडक्ट में है प्रोडक्ट रूल बताओ सबसे ज्यादा आसान है प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले फंक्शन को बाहर रखो दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो फिर दूसरे फंक्शन को बाहर रखो पहले फंक्शन को डिफ्रेंशियट कर दो यही तो आपका प्रोडक्ट रूल है मैम यहाँ पे कुछ रूल होता है क्या फर्स्ट फंक्शन कौन है सेकंड फंक्शन कौन है बिल्कुल नहीं यहाँ एस कोई रूल नहीं होता आप किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा ले सकते हो डिफ्रेंसिएशन के प्रोडक्ट रूल में इसीलिए ना डिफ्रेंसिएशन चैप्टर बहुत फ्लेक्सिबल है कोई दिक्कत नहीं है उसमें आप हर फंक्शन को आराम से डिफ्रेंशिएट कर लेते हो किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा लो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये रहा आपका डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट टूल यहां भी मुझे दो फंक्शन प्रोडक्ट में नजर आ रहे हैं मैं प्रोडक्ट टूल लगाऊंगी और इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगी ठीक है सो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए लिख दिया है एक बार अब किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले लो नो no प्रॉब्लम ठीक है वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस ये क्या लिखा है साइन एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन तो ये आपका वाई डैश आ गया है चलो अब चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इसको हटा देती हूं मैं अब डिफरेंशियल इक्वेशन से बात करते हैं और एल को आर की तरह बनाने की कोशिश करते हैं सो so, हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे जो एल एलएचएस क्या है XY इसको आपको इसके जैसा बनाना है ठीक है चलो बनाने की कोशिश करते हैं अपन एक्स क्या है x कुछ नहीं x है y डैश क्या है ये लिखा है आपका y डैश का टर्म तो यहां पे y डैश को मैं लिखती हूं दिस इज x cos x प्लस साइन एक्स ओके फिर क्या मिलेगा मल्टीप्लीकेशन करो दिस इज एक्स स्क्वेर यहां लिखा कॉज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बस मैंने अभी ब्रैकेट ही ओपन किया है मैं एल को आर बनाने की कोशिश कर रही हूं लेकिन मैम यहाँ पे आर पे तो ना कॉज है ना साइन है आपके में तो ये कॉज और साइन आ रहा है आपको इसे हटाना पड़ेगा बिल्कुल मुझे इसे हटाना पड़ेगा सोचते हैं अपन क्या कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अच्छा देखो जरा आर को देखो कैसे टर्म्स है y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो जरा इस टर्म को देखो आप लोग ये x साइन x कौन है x sin x कौन है y तो इसकी जगह पे मैं y रख सकती हूँ बिल्कुल रख सकती हूँ सो so, मुझे क्या मिला y x² cos x जरा देख लो ये सब कुछ ठीक है मैंने x sin x की जगह पे y रखा x² cos x मेरा एज इट इज लिखा हुआ है अब जरा एक काम करो हमने यहां से साइन एक्स को तो गायब कर दिया वाई के टर्म्स में लेकर आ गए X और ये अंडर रूट एक्स हिस्से को बनाना है, आपको, इनके थ्रू। है ना? इनके थ्रू आपको क्या बनाना है ये बनाना है तो चलो ठीक है अच्छा बताओ कॉज एक्स को कैसे गायब कर सकते हो आप लोग कॉज एक्स को हम लोग जानते हैं कि जो कॉज एक्स होता है ना दैट इज अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये बात क्लियर है या नहीं क्यों मैम साइन एक्स प्लस एक्स क्या होता है, होता है. तो माइनस रूटसर एक्स लिख सकती हूं बिल्कुल लिख सकती हूं चलो आ जाओ सो so, यहां पे वाई प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है अब सुनो यहां देखो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू है y बाई एक्स आप इस गिविंग क्वेश्चन में से साइन एक्स की जगह पे क्या रख सकते हो y अपॉन एक्स रख सकते हो सही बात है साइन एक्स को यहां पे रखा इसको नीचे ले गए तो साइनेक्स की वैल्यू क्या मिल रही है y बाई एक्स अब यहां पे आप सब्सिट्यूट कर दो और आप अपने RHS तक पहुंच जाएंगे इतने हिस्से को मैं हटा सकती हूँ यहां तक सॉल्व कर चुके हैं आप ठीक है अच्छा इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत तरीके हैं ये एक तरीका मैं बता रही हूं दो तरीके आप भी मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ आप में से कहेंगे कि मैम एल को भी आधा सॉल्व कर लो और फिर आर को भी आधा सॉल्व कर लो तो वो दोनों ना आपको बराबर मिल जाएगा ऐसे भी कर सकते हो कुछ बच्चे ऐसा कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में कि ऐसा इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करें कि यहाँ पे ये एज इट इज अपने आप ही आ जाए कुछ भी तरीका है आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो बस आपको वेरिफिकेशन ही करना है आपके ऊपर ये डिपेंड है ठीक है कोई दिक्कत नहीं अगर आप डिफरेंट तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ओके okay? सो so, यहां पे जरा मैं अपने उस टर्म को लेके आ रही हूं क्या लिखा है वो y x2 फिर बना है अंडर रूट 1 sin2x sinx क्या है y x तो sin2x क्या हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्त साइन एक्स की वैल्यू मैंने गिवन क्वेश्चन से ही निकाली है ओके okay? अब देखो sin X भी भी गायब गायब कर कर दिया X कर दिया so, y plus X square, LCM ले लो क्या आएगा X square minus y square divided by X square. ठीक है अंडर रूट से ये एक्स स्क्वायर बाहर आ सकता है तो एक अकेला आएगा वो बाहर एक्स नीचे आ गया राइट right? एक एक्स से एक एक्स चला गया तो आपको मिला y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क् माइनस वाई जरा चेक तो करना कि आपका एल एच के बराबर तो नहीं हो गया आप एल को लेके चले थे ये रहा आपका एल आपने चीजों को सब्सिट्यूट किया थोड़ा सा सॉल्व किया ठीक है थोड़ी सी चीजें आपने यहां से उठाई सब्सिट्यूट करा और आपने इसे एकदम अपने आर के जैसा बना लिया क्या ये क्वेश्चन क्लियर है तो मैथ्स में क्या हो रहा है यहां पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आप बस सोचते चल रहे हो क्या उठाएं क्या रखें एल को बराबर करना है आर को तो ये क्वेश्चन ना बहुत ईजी होते हैं वेरिफिकेशन के क्वेश्चन हर बार आपको ईजी लगते हैं क्योंकि इसमें आपको क्या ही करना है चीजों को उठा उठा के सब्सटीट्यूट करते चलो आंसर तक पहुंचते चलो ठीक है राइट कोई परेशानी तो नहीं हुई इस क्वेश्चन में आगे चले अपन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है कि ये फंक्शन है हा क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोलूशन है तो आप कहोगे क्या फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है अगर सेटिस्फाई कर गया मतलब LHS बराबर आर एच एस हो गया तो डेफिनेटली ये फंक्शन कोई और नहीं इसका सोल्यूशन कहलाएगा ये बात ठीक है अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं चलो ठीक है चेक कर लेते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या ये इसका सोल्यूशन है तो सबसे पहले आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन डेरिवेटिव है एक ही डेरिवेटिव है y डैश तो आप अपने इस फंक्शन में से y डैश की वैल्यू निकालेंगे ठीक है आ जाओ देखते चलो ध्यान से देखना अपने क्वेश्चन को फंक्शन है मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही डेरिवेटिव नजर आ रहा है तो हम अपने फंक्शन में से एक डेरिवेटिव निकालेंगे y ओके ओके okay? आ जाओ सो so, okay, अब यहां डिफरेंशिएशन करना है बहुत ध्यान से सुनना ये किस टाइप का फंक्शन है यहाँ पे x लिखा है y लिखा है ये प्रोडक्ट में है y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है एक एक चीज समझते चलना प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा ठीक है राइट right. ध्यान से देखो यहीं पे क्लियर करने की कोशिश करती हूं आपका डिफरेंशिएशन। सो so, ये मान लो फर्स्ट फंक्शन है ये मान लो सेकेंड फंक्शन है ओके okay? हम लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल क्योंकि हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट सो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया प्रोडक्ट रूल बस इतना ही होता है और कुछ नहीं करना ठीक है इज इक्वल टू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y उसके बाद y का डिफरेंशिएशन क्योंकि देखो आप इसे विद रिस्पेक्ट टू x x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं जहां x था वो तो अपने आप ही डिफरेंशिएट होके 1 दे देगा लेकिन ये जो y वाला टर्म है ना ये पहले तो 1/y बनेगा क्योंकि लॉग y था लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स होता है वो बात वहीं खत्म हो जाती है लेकिन ये क्या है लॉग वाई है तो लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाई वाई और उसके बाद इस y का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो x, इसको ही कहते हैं चेन रूल तो यहाँ पे अब आप अपने y को उठाएंगे और उसे x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे c का डिफरेंशिएशन 0 c एक कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो यहां पे लिखे इस टर्म को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया क्या कोई परेशानी हुई इस चीज को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 y फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx क्योंकि y है और आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहां dy dx तो आना ही था ठीक है चलो ये चेन रूल हो गया यहां पे अब क्या करेंगे आप जहां जहां पे आप लोग dy वाई बाई डी देखोगे उधर आप उसे रिप्लेस कर देना वाई डैश से क्योंकि ये चीज हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है वाई डैश होता है राइट right? और इस आ, आ, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पे भी y by नहीं लिखा वाई डैश का उनने यूज किया है तो इसीलिए हम लोग भी जहां जहां वाई डैश जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है वहां पे वाई डैश सब्सिट्यूट कर देंगे राइट सो दिस डी वाई बाई डी एक्स विल बी माई वाई डैश तो ये बना एक्स y डैश प्लस वाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो वन होगा तो इसे y डैश मत लिख देना ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ x है वो तो वन होगा इज इक्वल टू वन अपॉन वाई इसका डेरिवेटिव ये रहा आपका y डैश डी वाई बाई डी एक्स था तो y डैश के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया अब मैं ये सोच रही हूं मुझे ऐसा फील हो रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि जब मैं इसे अरेंज करूंगी ना तो मेरा एलएचएस अपने आप ही आरएचएस के बराबर हो जाएगा ठीक है मुझे कुछ सब्सिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है जब मैं रीअरेंज तो दे दे करते हैं तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले जितने भी वाई डैश वाले टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख लीजिए ठीक है तो ये एक्स वाई डैश इसको उठा के यहां लेकर आए माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू ये जो प्लस वाई है इसे मैं यहां लेकर आ गई तो माइनस वाई देख लो जरा क्वेश्चन को क्या किया इसको यहां ले गए इसको यहां ले गए ओके तो साइन बदल गए इनके यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं y डैश इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लो सो so, y डैश ओके x माइनस वन ये रहा इज ठीक है y डैश कॉमन लिया है तो x माइनस वन बाय वाई हो गया एलसीएम ले ले ठीक है चलो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम लेने से क्या होगा y डैश ये बना एक्स वाई माइनस वन ये रहा y, ये रहा माइनस वाई इस y को वहां सेंड कर दे चलो बिल्कुल कर देते हैं ये डिवीजन में है वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दिस विल बी वाई स्क्वायर ओके अच्छा अब जरा देखो y डैश को जरा अकेला करो y- डैश को अकेला करो यहां पे ये यह मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा तो डिविजन में सो माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस वन इस तरीके से आया ये प्रोडक्ट में था यहां गया तो डिविजन में अब जरा चेक करो यहां पे क्या लिखा है अब जरा अपना क्वेश्चन को देखो क्या आपका एल एच एस बराबर टू एल एच एस आ गया नहीं आया मैम अभी तो नहीं आया यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये पॉजिटिव है और ये इस तरीके से लिखा है आपका वो उल्टा है तो एक काम करो इसको सीधा कर लेते हैं कैसे माइनस के साइन को कॉमन लेके यहां से मैंने माइनस के साइन को कॉमन लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा ये बात में तो कोई परेशानी नहीं है ठीक है माइनस कॉमन लोगे तो ये लोग घूम जाएंगे साइन इनके बदल जाएंगे ओके तो ये बदल के क्या बना वन माइनस एक्स वाई बना माइनस से माइनस आपका चला गया ओके okay? अब चेक करो आप लोग आप लोगों का एल एच एस आरएचएस के बराबर अपने आप ही हो गया आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में देख लो एल एच एस वाई डैश आर एच एस में क्या है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई ओके okay, काम खत्म हमने अपने आप ही इस क्वेश्चन को एलएचएस बराबर टू आरएचएस कर दिया वेरिफिकेशन इस क्वेश्चन में हो गया है सो so, डेफिनेटली ये फंक्शन क्या है ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है एंड आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है यहां पे थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी रिकॉल करवाने की कोशिश की है तो अब अपन आगे चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ओके okay, राइट right. चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं अपन यहाँ पे भी वही काम है ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है आपको बताना है क्या ये फंक्शन इसका सल्यूशन है ये फंक्शन इसका सोलूशन है या नहीं तो ठीक है बता देंगे कैसे बताते आए हैं अभी तक हम सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है कितने डेरिवेटिव है सिर्फ एक कौन सा वाई डैश तो इसमें से हम वाई डैश निकालेंगे फिर देखते हैं या तो अपने आप ही आ जाएगा या तो हमें एल को आर के बराबर खुद करना पड़ेगा ठीक है अपने आप कैसे आता है अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा खुद कैसे करना पड़ता है आपको एल एच इक्वल टू आर आप इतने सारे क्वेश्चंस में पीछे देखते आ रहे हो तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या ही होगा और चेक कर लेते हैं क्या ये इसका सोल्यूशन है भी या नहीं ओके तो सबसे पहले आप किसी और से बात नहीं करोगे आप सिर्फ अपने फंक्शन से बात करोगे फंक्शन क्या है वाई माइनस कॉज वाई इज़ इक्वल टू एक्स ओके आप डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार देख चुके हो वहां आपको पता है कि सिर्फ एक ही बार डिफरेंशियट करना है सिर्फ वाई डैश है तो चलो आ जाओ इस फंक्शन में से वाई डैश निकालते हैं वाई डैश का मतलब क्या होता है कि आप इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वाई डैश होगा ओके कॉज वाई का डेरिवेटिव प्लस साइन वाई इन टू वाई डैश सही है क्या यह चीज सही लिखी है क्या मैंने बताओ आप लोग का, का भी डिफ्रेंसिएशन होगा दैट विल बी वाई डैश ओके इज इक्वल टू वन क्योंकि एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन होता है ठीक यहां से आपने ये चीजें निकाल ली है अब एक काम करो वाई डैश निकाल लो यहां से y डैश कॉमन आ सकता है सो so, हमने y डैश को अपना कॉमन लिया दिस विल बी वन प्लस साइन y इज इक्वल टू वन इस वन प्लस साइन वाई को यहां सेंड कर दें अपन तो y डैश कितना आया आपका y डैश आ रहा है वन अपॉन वन प्लस साइन वाई ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में अगर आपका एल एच को वाई के बराबर बन गया तो एल एच एस इक्वल टू आर हो जाएगा वो सोल्यूशन वो जो फंक्शन है इसका सोल्यूशन कहलाएगा यहां कोई दिक्कत तो नहीं है अचानक से प्रॉब्लम तो नहीं होगी मैम ये क्या कर दिया आपने देखो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हो अगर फंक्शन वाई है तो वाई डैश तो उसे बनना ही पड़ेगा ठीक है कॉज वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई माइनस माइनस ने उसे प्लस बनाया अब क्योंकि वाई है तो वाई को भी डिफ्रेंशिएट करोगे चेन रूल से वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश होगा ठीक है हमने वाई डैश निकाल लिया अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एल से उठाओ एल से बात करो एल में वाई डैश की वैल्यू रखो और चेक करो क्या वो वाई बन रहा है या नहीं ठीक आ जाओ सो so, डिफरेंशियल इक्वेशन का एल उठा लेते हैं अपन क्या है एल एच एस वाई प्लस साइन वाई प्लस नहीं इंटू था वो वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश ये मेरा एल एच एस है अब इस एल एच एस में मैं वाई डैश की वैल्यू रखूंगी और जरा चेक करूंगी क्या मैं वाई बना पा रही हूं या नहीं ओके okay? सो so, आ जाओ जरा देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन राइट right, बन गया देखो ये रहा क्वेश्चन वाई साइन वाई प्लस कॉज वाई प्लस एक्स y' की वैल्यू क्या आई है रख दो आप y' की वैल्यू आई है 1 1 sin y lhs को उठाया है lhs को rhs हमें बनाना है rhs को देखो जरा y लेके आना है बस कैसे लाएंगे y लेके आना है ना अकेला सिर्फ y है यहाँ पे x का तो कोई रोल ही नहीं है तो ये x यहाँ क्या कर रहा है हटाओ इस x को इस x को हटाया जाएगा मैम कैसे वो जो फंक्शन गिवन है ना वहां से x की वैल्यू उठा के यहां रख दो ठीक है चलो सो so, हमें मिला y साइन y प्लस कॉज y प्लस x कौन है y minus cos y हैन प्लस साइन वाई तो इसे मैं ऐसे लिख देती हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है ना लिख सकती हूं ना ऐसे इंटू वन अपॉन वन प्लस साइन वाई तो इनके नीचे लिख दिया उसे यहां से कॉज वाई कॉज वाई चला गया ठीक है जी अच्छी बात है जितने टर्म्स कम हो जाए हमें तो खुशी की ही बात है ये भी चला गया ओके जी यहाँ पे प्लस वाई क्या आपको आंसर दिख रहा है ध्यान से देखो आंसर दिखाई दे रहा है क्या यहां से मैं y कॉमन ले लू न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर से मैं सोच रही हूँ y कॉमन ले लू तो जब न्यूमिनेटर से हम y कॉमन लेंगे ले तो यहाँ पे बन जाएगा वन और यहां से भी हमने y कॉमन ले लिया ये रहा ब्रैकेट और y आपका ये लिखा है वो वाई साइन वाई प्लस वाई था तो मैंने कहा न्यूमिरेटर से वाई कॉमन ले लो तो ये क्या बनाओ वन प्लस क्या रखा है नीचे one plus sin y रखा है तो ये इससे कैंसिल हो गया कैंसिल्वल टू वाई मिल गया आप एल एच एस लेके चले थे आपने सिंप्लीफिकेशन किया चीजों को सब्सिट्यूट किया और आपने देखा कि आपका एल एच एस तो आर एच एस के बराबर आ गया ये वाई क्या है ये वाई कोई और नहीं आर एच एस है तो आपने ये देखा कि हमने एल को उठाया उस डेरिवेटिव की वैल्यू वहां रखी उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया कुछ चीज एक्स्ट्रा थी उसे गायब किया फंक्शन में से कॉमन ले लिया और ये आपका आरएचएस अपने आप ही बन गया ओके सो so, इस क्वेश्चन में एल क्योंकि आर के बराबर है इसका मतलब ये फंक्शन इसका क्या है ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है ये फंक्शन क्या कहलाता है ये फंक्शन सोल्यूशन कहलाता है क्या ये बात क्लियर है ठीक है क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं इसमें आसानी से करते जा रहे हो ना आप इन क्वेश्चन को राइट right? एक इजी एक्सरसाइज है ये और अगर इसे कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही तो छोटे मार्क्स में ही मिलेगा बहुत बड़े में तो पूछ ही नहीं सकते राइट right? चलो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे देख लेते हैं कौन किसका सोल्यूशन है तो सीधा हमने आपसे पूछा है क्या ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है या नहीं ओके वही क्वेश्चन चला आ रहा है क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं है एक है फंक्शन एक है डिफरेंशियल इक्वेशन बात सिर्फ आपसे इतनी पूछी जा रही है क्या ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है तो क्या करेंगे मैम जो अभी तक करते आ रहे थे इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार देखेंगे क्या डेरिवेटिव है यहाँ पे सिर्फ एक है वाई डैश तो फंक्शन में से सबसे पहले वाई डैश निकालेंगे एल एच एस उठा उठाएंगे यहाँ पे आर एच एस की वैल्यू लेके आने की कोशिश करेंगे या तो अपने आप ही आ जाएगा ठीक है क्लियर है ओके okay. तो इसे हटाते हैं अपन और डिफ्रेंशियट करते हैं अपने फंक्शन को ओके सो फंक्शन है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ठीक इसे डिफ्रेंशिएट करना है आपको एक बार क्योंकि वाई डैश यहाँ पे है तो एक बार इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स का डेरिवेटिव आपको वन मिलेगा वाई का डेरिवेटिव आपको वाई डैश मिलेगा टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला है का ये 10 y विल बी अपॉन स्क्वायर लेकिन इतने में आप खुश नहीं होंगे आपको यहाँ पे चेन रूल लगा के y डैश भी लिखना पड़ेगा क्यों क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ये y है तो डायरेक्टली तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया उसके बाद y का डिफ्रेंसिएशन भी करना पड़ेगा दैट इज y डैश इतनी चीजें आपके सामने आ गई हैं अब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो कि यहां पे दो जगह तो को साथ में लिख लेते हैं अपन, ओके? So, इस को यहां ले जा रही हूं एक काम करो इसको ही यहां लेके आ जाओ सो वन इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेर माइनस वाई डैश ये चीजें ठीक है इसको मैं यहां लेकर आ गई ठीक है अब क्या करा जाएगा अब एक काम करो ये वाई डैश ना कॉमन ले लो इसको यहां लिख देते हैं वाई वाई को कॉमन ले लो बाहर वाई डैश आपका कॉमन आया तो यहां पे क्या बचा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वेर माइनस वन इज इक्वल टू वन हमने y डैश ऊपर ले लिया बाहर ले लिया ठीक अब यहां एलसीएम ले लो LCM लो तो क्या मिलेगा आप लोगों को एलसीएम लेंगे तो दिस बी y, square divided by one plus y square. इसे बंद करो ये बराबर टू एक हो गया चेक कर लो प्लस वन माइनस वन चला गया ठीक है ये एलसीएम लिया साइन भी बदल जाएंगे दो टर्म्स थे वहां पे राइट अब देखो प्लस वन माइनस वन चला गया तो अच्छी बात है जाने दो ठीक यहां पे आपके पास बच रहा है कुछ इस तरीके का इक्वेशन एक्सप्रेशन अब मैं ऐसा सोच रही हूं मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि मैं डायरेक्टली थोड़ा सा करके ना इसको अपने आप हाँ ही इसके जैसा बना सकती हूं, मुझे देखे पे अलग से LHs, अलग से आरएचएस लाने की जरूरत नहीं है अगर आप अलग से एल और अलग से आर एच एस ला भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपके हाथ में है आप क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो ओके बस ये बराबर आ जाना चाहिए ठीक So, ये एक्सप्रेशन आ रही है यहां तक तो कोई डाउट नहीं है इसे मैं इरेज कर रही हूं नॉर्मल सा डिफ्रेंसिएशन था ठीक तो इसे हटाया जाए अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है तो इससे बात करते हैं अपन हमारे पास जो आया है वो है वाई डैश इसको मैं वहां सेंड कर देती हूं दिस इज माइनस वाई स्क्वायर उसको वहां सेंड किया तो वो वन प्लस वाई स्क्वायर हो गया क्योंकि डिवीजन में है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा वन इन टू समिंग गिवस यू समथिंग और वो समथिंग कौन है वन प्लस वाई स्क्वायर ठीक है इतनी चीजें आपके पास आ गई है और मुझे तो सोल्यूशन भी नजर आ गया देखो आंसर आ गया है आपका आपने इसको यहाँ सेंड किया इसको साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया अब एक काम करो इसको उठा के यहाँ ले आओ नेगेटिव में है ना ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा सो so, जीरो y डैश y स्क्वेयर प्लस वन प्लस y स्क्वेर और देखो यहां पे अपने आप ही एल एच एस क्या हो गया आर एच एस के बराबर हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो चुका है क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो चुका है आपने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया है ठीक है देखो y डैश y स्क्वेयर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आई होप इस तो क्वेश्चन so, में कोई परेशानी नहीं है किस तरीके से सॉल्व किया है क्वेश्चन में ठीक चले आगे तो अब तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है आपने नाइन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन को नंबर टेन क्या है आपका क्या ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है तो आप बोलोगे मैम तब से हम यही तो करते आ रहे हैं तो अभी भी सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को ठीक है तो आपको क्या करना है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से देखो यहाँ पे क्या है मैम पे है है इसका मतलब क्या आप अपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना करना आपको फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं एल एच एस को आर एच एस के बराबर लेके आते हैं या तो कभी कभी एल एच एस अपने आप ही आरएचएस के बराबर आ जाता है ये दो टाइप के क्वेश्चन आपने इन दस क्वेश्चन में देख ही लिया है ठीक है तो अब बारी है इस क्वेश्चन की देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्या यहाँ पे अपने आप एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा या फिर हम एलएचएस को उठाएंगे वैल्यूज को रखेंगे और फिर आरएचएस तक पहुंचेंगे कुछ भी हो कोई भी केस हो बस बराबर आ जाए आपका काम वहीं खत्म आप कह दोगे ये कौन है इसका सॉल्यूशन है ठीक ओके सो so हमने देखा डिफरेंशियल में है dy/dx यानी कि एक बार इस फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेर डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये मिलेगा आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन बता दो मुझे रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई टू रूट एक्स लेकिन आपका एक्स क्या है आपका एक्स ए स्क्वास एक्स इसका मतलब चेन रूल लगाना है और इसे डिफ्रेंशियट दोबारा करना है प्रोडक्ट में याद है ना सारी बातें ओके okay. सो so यहां पे हम कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वो होगा वन अपॉइंट टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वेर हो गया क्या डिफ्रेंसिएशन नहीं क्यों अभी चेन रूल लगेगा यहाँ पे चेन रूल लगाने पे आपको इस एक्स को भी डिफरेंशिएट करना है यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है क्वेश्चन देखो आप मैं एक बार आपको डिफ्रेंशिएशन फिर से क्लियर कर रही हूं ध्यान से देखना बिल्कुल आप लोगों को अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क् को डिफ्रेंशिएट करना है ऐसा तो डिफ्रेंसिएशन में कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है लेकिन इंटीग्रेशन में पढ़ा है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को यहां मत लगा देना आप लोग क्या कर रहे हो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो यहाँ पे ठीक डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो ओके okay, सो so इसको डिफ्रेंशिएट करना है ऐसा कोई हमने फॉर्मुला पढ़ा नहीं है लेकिन डिफ्रेंशिएशन बहुत फ्लेक्सिबल है वो ये कहता है एक काम करो इस पूरे को क्या रीड कर लो एक्स पढ़ लो मतलब आप बेसिकली रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई टू रूट एक्स होता है फिर आपको याद आएगा कि आपका x कौन है आपका x तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो चेन रूल में आप अपने इस x को भी डिफ्रेंशिएट कर देना ठीक तो यहां से इसे हटाओ यहां लिखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क् और यहां लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का चेन रूल एंड आई होप कि अगर कोई परेशानी थी आपको चेन रूल में तो यहां से वो चीज खत्म हो गई ठीक है ओके okay, आ जाओ आप अब क्या करें अपन इससे डिफ्रेंशिएट करें ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स होगा ठीक तो ये जब डिफरेंशिएट हो गया तो आपको क्या मिला माइनस टू एक्स मिला ओके okay? ठीक है टू से टू हटा दिया जाए बिल्कुल हटा दिया जाए तो आप लोगों को डी वाई बाई डी कितना मिल रहा है डी वाई ये टू से टू चला गया तो दिस विल बी माइनस अपॉन अंडर रूट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वे अच्छा और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन है फंक्शन को देखो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आपका वाई है तो इसे मैं रिप्लेस कर सकती हूं वाई से ओके okay? तो आपको क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई मैम ये रिप्लेस करने का सपना क्यों आया आपको क्योंकि मैंने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा वहां पे कहीं पर भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म नहीं था तो मैं समझ गई थी कि इसे मुझे गायब करना पड़ेगा इसे गायब करने के लिए अपन गए फंक्शन के पास फंक्शन ने ठीक है इसकी वैल्यू वाई है यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो ओके अब मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है चीजों को शिफ्ट करो अपने आप ही आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा इस वाई को यहां शिफ्ट कर दो तो क्या बनेगा ये ये बनेगा y dy by dx is equal to minus -x minus -x को उठा के यहां लेकर आओ तो ये बनेगा प्लस तो दिस विल बी प्लस x और ये यहां पे आया तो यहां पे क्या आया जीरो आया जरा चेक करो क्वेश्चन को क्या अपने आप ही एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया चेक कर लो जल्दी से हो गया क्या देखो x plus y dy by dx x plus y dy by dx equal to zero अपने आप हो गया है LHS बराबर to RHS इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है कि ये जो हमें फंक्शन गिवन था this function is a solution of the given differential equation I hope इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं है अभी तो आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चंस में ये नोटिस तो कर लिया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप LHS को उठाते हो values को substitute करते हो और एच तक पहुंच जाते हो और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे इस एक्सरसाइज़ में जहां पे अपने आप ही एस बराबर हो रहा है आर से इन शॉर्ट जो भी आपको फंक्शन गिवन थे वो सोल्यूशन कैसे प्रूव करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के वो हमने डिस्कस किया है आपकी एक्सरसाइज नाइन में ओके okay? So, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफ्रेंसिएशन बेसिक से था वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कोई डाउट है तो आप जरूर देखना डिफ्रेंसिएशन वाले वीडियो को बहुत ही बेसिक से बताया है वो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी ओके राइट क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आते हैं नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर जो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फोर्थ ऑर्डर की उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे ये आपको बताना है तो याद करो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी जितने भी आपके पास आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक है तो यहां पे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन चार है तो इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे चार आर्बिटरी होंगे किसमें जनरल सोल्यूशन में, में ठीक है तो आपके जनरल सोल्यूशन में इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से आपके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं ओके जितना आपके जन इक्वेशन का ऑर्डर होता है जनरल सॉल्यूशन के केस में ओके okay? अगर चार ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो चार आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है डी दैट इज फोर और ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं अच्छे तरीके से इन्हें देख लो ये भी छोटे मार्क्स में आ जाते हैं ओके क्लियर है क्वेश्चन राइट क्वेश्चन नंबर 12 देखो द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब कैसी बात कर रहे हैं ये लोग पर्टिकुलर में कितने है? मैं तो आगे इस क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं रही क्यों क्योंकि इसका आंसर जीरो ही होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन में तो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होते ही नहीं है वो तो पर्टिकुलर वैल्यूज होती है कॉन्स्टेंट की वहां पे तो यहां तो आर्बिटरी कांस्टेंट का सवाल ही नहीं है तो भले ही कितने भी ऑर्डर की बनी रहे अगर ऐसा सवाल आपसे कर देना ये लोग कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है तो आंसर क्या है इसका जीरो क्योंकि एक भी आर्बिटरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सोल्यूशन में नहीं होता ठीक है चलो सो आई होप

आपको क्या करना है आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे जाना है क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट्स हैं आप लोग क्लास क्लास पे करेंगे क्लिक सो so में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेन्ज है अगर आप मैथ्स वॉल्यूम टू देखना चाहते हैं जिससे मैं पढ़ा रही हूं आपको जाना है वॉच नाउ पे करना है क्लिक देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा यहां पे अपने चैप्टर्स जो जो फिनिश हो चुके हैं जितने भी एक्सरसाइज है जितने भी कंसेप्ट है वो सब आपको एक सीक्वेंस में अरेन्ज मिल जाएगा आपको बस एक्सरसाइज पे करना है क्लिक कंसेप्ट करना है क्लिक और आप तैयार हैं पढ़ने के लिए ओके स्टूडेंट्स सो सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आप शेयर भी कीजिए क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर